मैं कहता हूं जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए। प्रधानमंत्री ने CBSE की परीक्षा देने जा रहे छात्रों को सुझाव दिया है कि पहले कठिन प्रश्नों को हल करना चाहिए। कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? छोटा सा सवाल है, आप दिन में 3 रैलीज करते हैं, 5 प्रोग्राम्स करते हैं, उसके बाद आप खाते क्या हैं और आप कितने घंटे सोते हैं? हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी अक्सर देश के विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा करते रहते हैं। हर बार परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में प्रधानमंत्री एक ऐसी टिप्पणी करते हैं जो वायरल हो जाती है या फिर उस पे आरोप प्रतिरोप का दौर शुरू हो जाता है। इस बार का परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम भी कुछ खास रहा। PM मोदी ने विद्यार्थियों के कुछ सवालों के जवाब दिए। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मोदी जी ने कहा कि कठिन सवालों को पहले हल कर लेना चाहिए। आपने देखा होगा, टीचर्स, माता पिता हमें सिखाते हैं कि जो सरल है वो पहले करें, ये आम तौर पर ये कहा जाता है, और एग्जाम में तो खास तौर पर बार बार कहा जाता है जो सरल उसको पहले करो भाई, जब टाइम बचेगा तब वो कठिन है उसको हाथ लगाना। लेकिन पढ़ाई को लेकर मैं समझता हूं ये सलाह आवश्यक नहीं है और उपयोग भी नहीं है। मैं जरा इन चीज को अलग नजरिए से देखता हूं। मैं कहता हूं जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए। आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। बस मोदी जी की यही बात कि मुश्किल प्रश्न को पहले हल करना चाहिए सोशल मीडिया पर एकदम से वायरल हो गई। मोदी जी खुद कितने कठिन प्रश्नों का जवाब देते हैं ये तो सब जानते ही हैं। अगर आप नहीं जानते तो 2019 के समय मोदी जी के चुनावों को लेकर कुछ मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू के प्रश्नों को ही देख लीजिए। आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं, छुट्टी आप कभी नहीं लेते, और मैंने ये सुना है कि जब आप विदेश दौरे पर जाते हैं तो ट्रैवल रात में ट्रैवल करते हैं, कहीं आप रात में रुकते नहीं हैं, हवाई जहाज में आप अपनी रात बिताते हैं, तो ये एज में अभी इतनी एनर्जी आप कैसे लेकर आते? क्योंकि आपकी उम्र में बाकी लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, और आज आपकी एनर्जी ऐसी है कि कोई देश के जो युवा हैं उनको भी शायद शर्म आ जाए। मैंने आपके बारे में जब 2014 के चुनाव हो रहे थे एक डॉक्यूमेंट्री पे काम किया, और उस वक्त मुझे जानकारी मिली कि आप एक सांसद के घर पर एक गैराज में रहा करते थे, तो उस गैराज से आज 7RCR तक का सफर कैसा रहा? ये इस सवाल को पूछने पर हो सकता है बड़ी आलोचना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी 2 आँखें हैं, आपकी भी 2 आँखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? आजकल एक टीवी चैनल की बड़ी चर्चा है, आपको पता है आपके नाम से एक टीवी चैनल चल रहा है हिंदुस्तान में। हाँ, क्या है ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है? अखबार आप टी शर्ट आपके नाम की बिक रही है, टोपियाँ आपके नाम की बिक रही हैं, अब एक टीवी चैनल आ गया नमो टीवी। चला रहे हैं कुछ लोग। मैं देख नहीं पाया, मुझे समय नहीं मिलता इतना। इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर देखना चाहिए। छोटा सा सवाल है, आप दिन में 3 रैलीज करते हैं, 5 प्रोग्राम्स करते हैं, उसके बाद आप खाते क्या हैं और आप कितने घंटे सोते हैं? क्या क्या बना लेते हैं आप? ये सब कुछ बनाता हूँ, सब कुछ बना। सब रोटी बेलनी भी आती है आपको? हाँ, सब कुछ बनाता हूँ, पूरा मतलब खाना तैयार कर सकते हैं। ये कैसे सीखा? मोदी जी ने न्यूज चैनल्स के अलावा एक्टर अक्षय कुमार को भी इंटरव्यू दिया था। ये चुनावों के दिनों में एक नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू था। अब आप एक बार फिर सुनिए वे कठिन सवाल जो अक्षय कुमार ने मोदी जी से पूछे। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी एक अलादीन का चिराग मिल जाए और जिन कहे कि आपके 3 विशेज हैं, तो वो आपके 3 विशेज क्या होंगे? आप 3 या 4, 3.5 घंटे ही सोते हैं, मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए चाहिए, आप 3.5 घंटे ही सोते हो। मैं ये जानना चाहूँगा, वैसे कई लोग जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को जब जुकाम लगता है तो वो क्या लेते हैं?
मोदी जी 2014 से सत्ता में हैं और अभी तक मोदी जी ने कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसका जवाब सबको पता है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है। मोदी जी एक बार 2019 के चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी तंज कस रहे हैं। कठिन प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने सीबीएसई की परीक्षा देने जा रहे छात्रों को सुझाव दिया है कि पहले कठिन प्रश्नों को हल करना चाहिए। कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं, यह ठीक नहीं है, पहले हल्के प्रश्नों को हल करना चाहिए। मेरी राय में प्रधानमंत्री की बात ही ठीक है। आखिर कठिन प्रश्नों से कब तक बचा जा सकता है। वैसे उन्हें भी प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहना चाहिए था और पत्रकारों के कठिन प्रश्नों का सामना करते रहना चाहिए था। उम्मीद है अक्षय कुमार को अब इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिलेगा, उन्हें मिलेगा जो कठिन प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। अगर पीएम मोदी और भाजपा के नेताओं से कठिन सवाल होते भी हैं तो वे ये कहकर टाल देते हैं कि ये तो कांग्रेस ने 70 साल राज किया, उसकी वजह से हुआ, या फिर कोई ना कोई और बहाना बना जाते हैं। पहले आप भाजपा नेताओं के बयान सुनिए जिसमें वे कांग्रेस की गलती निकाल रहे हैं। तो भारत के विदेश विभाग के वरीय पदाधिकारी जिन्होंने फाइल देखी है वो शपथ पर कहते हैं कि नेहरू जी ने सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को ऑफर की थी, क्योंकि ताइवान उसके लिए उपयुक्त नहीं था। कश्मीर में सरदार पटेल के हाथ में नहीं था। कश्मीर का मसला उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने कार्यालय में रखा। सरदार के हाथ में जो 630 रियासतें थी सबकी सब भारत के अंदर समाहित हो गई और एक अखंड भारत की रचना हो गई। एक ही स्टेट संभाला था श्रीमान जवाहरलाल जी ने और वहां पर विलय नहीं हुआ। मोदी जी भी कई बार कांग्रेस के 70 सालों का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अब मोदी जी भी लगभग 7 साल से खुद सत्ता में हैं। आजादी के 70 साल के बाद एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि आपके उस पाप की सजा 125 करोड़ हिंदुस्तानी न भुगत। पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का यह हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। जब बुद्ध परंपराएं थी तब भी हमारे देश में लोकतंत्र की गूंज थी। ये कांग्रेस और नेहरू जी ने लोकतंत्र नहीं दिया। जिस नेहरू जी के नाम पर आप लोकतंत्र की सारी परंपरा समर्पित कर रहे हो, श्रीमान राजीव गांधी ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतर करके एक दलित मुख्यमंत्री उनको खुलेआम अपमानित किया था। निर्मला सीतारमण से प्याज की बढ़ती कीमतों के बारे में प्रश्न हुआ तो उन्होंने क्या बयान दिया, आप भी सुनिए। हाँ, मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, तो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। देश में कोरोना की क्या स्थिति है ये सबके सामने ही है। देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस लगभग रोजाना सामने आ रहे हैं और सरकार की तरफ से अभी तक क्या तैयारी की जा रही है इसको लेकर कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया है। इसके अलावा किसान अब 100 दिनों से ज्यादा सड़कों पर बैठे हैं। इस मुद्दे का भी अभी तक कोई समाधान सरकार ने नहीं ढूंढा है। इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई भी मुद्दे हैं जिनसे देश की जनता परेशान है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के विद्यार्थियों को दिए गए सुझाव के अनुसार सरकार भी कठिन मुद्दे पहले सुलझाएगी। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.